सीएसके की जीत के बावजूद फड़के एमएस धोनी, मैच के बाद दी कप्तानी छोड़ने की धमकी। लखनऊ को हराकर माही ने अपने बॉलर्स को दी धमकी, सुधर जाओ नहीं तो। धोनी का गजब कॉन्फिडेंस, जिसने डुबोई लुटिया उसी से डरवाया। सबसे अहम ओवर, दो बड़े विकेट लेकर सीएसके की कराई वापसी। धोनी की बैटिंग मोइन अली का मैजिक, चेपॉक में सुपर हिट रही सीएसके की पिक्चर। धोनी के दो छक्कों ने जिता दिया मैच, सुरेश रैना की भविष्यवाणी 100% सच, लखनऊ ने टिक दिए घोटने। आईपीएल 2023 के छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हराकर अपना खाता खोला। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेले गए इस मैच में रोमांचक जंग देखने को मिली। दोनों ही टीमों ने 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन आखिर में बाजी होम टीम सीएसके ने मारी। चेन्नई को इस मैच में जीत तो मिली, लेकिन उनके कप्तान एमएस धोनी इससे नाखुश नजर आए। धोनी इस कदर मैच के बाद भड़के कि उन्होंने टीम को नए कप्तान के नेतृत्व में खेलने तक की धमकी दे डाली। आमतौर पर उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, पर इस तरह के बयान वो तब देते हैं जब सही में मामला गंभीर हो। दरअसल इस मैच में पहले खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 217 रन बनाए। बल्लेबाजों ने अहम योगदान दिया। इसके बाद गेंदबाजी में पेस बैटरी पूरी तरह से दिशा से भटकी हुई नजर आई। दीपक चाहर ना ही स्पीड और ना ही लाइन में गेंदबाजी कर पा रहे थे। वहीं तुषार देशपांडे ने एक ही ओवर में लगातार वाइड और नो बॉल से 18 रन देकर शुरुआत की थी। बेन स्टोक्स और हंगर गीकर का भी यही हाल था। ऐसे में कप्तान एमएस धोनी फील्ड पर शांत और बेबस नजर आ रहे थे। फिर मोइन अली ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला और सीएसके को एक के बाद एक चार सफलताएं दिलाई। मिशेल सैंटनर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, जिससे लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 205 रन बना पाई और 12 रन से मुकाबला हार गई। तेज गेंदबाजों के लचक प्रदर्शन और नो बॉल और वाइड बॉल से एक्स्ट्रा रन देने को लेकर एमएस धोनी काफी नाराज नजर आए। टीम की जीत के बावजूद वो परेशान थे। उन्होंने मैच के बाद सभी को चेतावनी देते हुए कहा, हमें तेज गेंदबाजी में सुधार करना होगा, हमें कंडीशन के हिसाब से गेंदबाजी करनी होगी। जरूरी यह है कि हम उस बात पर ध्यान दें कि विपक्षी गेंदबाज क्या कर रहे हैं। इसके बाद माही ने हंसते हुए नए कप्तान को लेकर कहा, एक और बात, हमारे गेंदबाजों को नो बॉल और एक्स्ट्रा वाइड नहीं फेंकनी चाहिए, या फिर उन्हें नए कप्तान के नेतृत्व में खेलना होगा। ये मेरी दूसरी वार्निंग है और फिर मैं चला जाऊंगा। चेन्नई सुपर किंग्स की पेस बैटरी की बात करें तो दोनों मैचों में जिस तरह की तेज गेंदबाजी हुई उसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी का ये गुस्सा जायज है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सीएसके के गेंदबाजों ने कुल 18 एक्स्ट्रा रन दिए, जिसमें 2 लेग बाय, 13 वाइड और 3 नो बॉल शामिल हैं। इससे पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले मैच में भी टीम ने 12 एक्स्ट्रा रन दिए थे, इसमें 6 लेग बाय, 4 वाइड और 2 नो बॉल शामिल थी। यानी चेन्नई के गेंदबाजों ने इन दोनों मैचों में कुल 30 एडिशनल रन उठा दिए। चेन्नई के लिए ये जीत काफी खास रही, क्योंकि वो लगभग 4 साल बाद अपने होम ग्राउंड चेपॉक में कोई मुकाबला खेलने उतरी थी। चेन्नई की जीत पर कुछ खिलाड़ियों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं लखनऊ के खिलाफ इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन थे। धोनी का धमाल। मुकाबले की सबसे खास बात एमएस धोनी की वो 3 गेंदों वाली धमाकेदार इनिंग्स रही। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे माही ने मारकूट की गेंदों पर 2 छक्के लगाकर फैंस का जमकर मनोरंजन किया। धोनी लगातार तीसरा सिक्स लगाने की कोशिश में कैच आउट जरूर हो गए, लेकिन तब तक अपना काम कर चुके थे। ऋतुराज की बेमिसाल पारी। ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2023 में नए इरादों के साथ उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 92 रनों की तूफानी पारी खेली थी। अब 26 साल के ऋतुराज ने इस मुकाबले में 31 गेंदों पर 57 रन बना डाले। ऋतुराज और डेवन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए मैच 9 ओवर में 110 रन जोड़ दिए। मोइन अली का मैजिक। मुकाबले में काई मेयर्स और के राहुल ने जिस तरह की शुरुआत की थी उसके चलते एक समय लग रहा था कि लखनऊ 218 रनों का टारगेट आसानी से चेस कर लेंगे, लेकिन मोइन अली के 4 विकेटों ने बाजी पूरी तरह पलट दी। मोइन ने के राहुल, काई मेयर्स, कुणाल पंड्या और मार्कस स्टोइनिस को आउट करके लखनऊ को बैकफुट पर ढकेल दिया। इम्पैक्ट प्लेयर तुषार का कमाल। लगातार दूसरे मुकाबले में तुषार देशपांडे को सीएसके ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल में किया। तुषार ने अपने पहले ओवर में 18 रन खर्च कर दिए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तुषार ने खतरनाक बैटिंग कर रहे निकोलस पूरन और आयुष बदोनी के विकेट लिए। कॉनवे रायडू ने भी किया कमाल। ओपनर डेवन कॉनवे और एक्सपीरियंस बल्लेबाज अंबाती रायडू ने भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस दिया। कॉनवे ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं अंबाती रायडू ने 2 छक्के और इतने ही चौके लगाते हुए नाबाद 27 रन बनाए।
सीएसके की इस जीत पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।